नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। क्या आपने कभी सोचा था कि सड़क पर संतरे बेचने वाले इंसान को भी भारत में पद्मश्री अवार्ड मिल जाएगा? शायद नहीं, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। कल ही जो अवार्ड समारोह हुआ था उसमें भारत सरकार ने एक ऐसे इंसान को पद्मश्री अवार्ड दिया है जिसने की जिंदगी भर सड़क पर संतरे बेचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इंसान है कौन और उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से भारत सरकार ने उन्हें इतने बड़े अवार्ड से नवाजा है। तो मैं बता दूं कि इनका नाम है हरे काला हजब्बा, जिनकी की 68 वर्ष की उम्र है और ये कर्नाटक राज्य के मैंगलोर शहर में रहते हैं। वैसे तो ये कभी स्कूल गए नहीं है, इनकी स्कूली शिक्षा बिल्कुल इनको मिल नहीं पाई है, फिर भी इन्हें वहां पर अक्षर संत के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये तो हुई इनकी व्यक्तिगत जानकारी, लेकिन इनको अवार्ड क्यों मिला तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। एक बार इनके शहर में, मतलब जहाँ पर ये रहते थे मैंगलोर शहर में, वहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटक आए तो उन पर्यटकों ने इनसे संतरे का दाम पूछा कि आपके संतरे क्या भाव है, क्या रेट है। लेकिन क्योंकि वो उन्होंने इंग्लिश में पूछा था और इनको इंग्लिश बिल्कुल आती नहीं थी तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। उस दिन उनको बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही उनको शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार मैं जिस काम को इतने सालों से कर रहा हूँ, इतने सालों से संतरे का मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में ही उनको कुछ नहीं बता पाया, ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि चलिए मेरे साथ तो जो हुआ ठीक है, लेकिन मैं अब अपने गाँव के बाकी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं यहाँ पर एक स्कूल खोलूंगा जिससे कि सारे बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो उस दिन से उन्होंने क्या करा कि संतरे बेचकर जो भी उनको मुनाफा होता था, मतलब जो भी उनको बचता था उनको वो सेव करते गए और जब जमा पूंजी अच्छी हो गई उसके बाद उन्होंने उसी पैसे से स्कूल बनवाया और वहाँ पर बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने लगे। सन 2000 में उनका ये सपना पूरा हुआ, मतलब स्कूल बना और वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आए। और 2021 में, यानी आज के दिन 2021 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है, उस अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम मन से, दिल लगा के और निस्वार्थ भाव से अगर हम किसी के लिए, समाज के लिए करते हैं तो उसका कभी ना कभी फल जरूर मिलता है और वो फल इस रूप में मिलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।